हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, क्या कम सिलेबस से भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं या कम सिलेबस को कवर करके भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जेई में एंड ट्वेल्थ बोर्ड में? तो आंसर है यस। यहीं पर हमारा प्लानिंग और स्ट्रेटेजी वर्क करता है कि हम कितनी बेटर प्लानिंग से और कितनी बेटर स्ट्रेटेजी से हम तैयारी करते हैं और कितने कॉन्फिडेंस से तैयारी करते हैं। नॉर्मली हम तैयारी दूसरों को देख के करते हैं और हमेशा उसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम ढंग से तैयारी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि करंट में ट्वेल्थ का सीबीएसई का हमारा सिलेबस है क्या, किन चैप्टर में से क्वेश्चन आने हैं। तो अगर हम इसको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड करें तो क्लास ट्वेल्थ में सीबीएसई में 23 मार्क्स में आपके मेनली 4 टॉपिक्स हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब सॉल्यूशन का एक पार्ट सरफेस केमिस्ट्री भी है तो उसको एक ही पार्ट में ले सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो इन सबको मिलाकर आपके 23 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं। सेकेंड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपके है हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड एज वेल एज एराइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, ईथर्स, फिनोल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, एमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो पी ब्लॉक में हमारे पास में 3 ग्रुप से क्वेश्चन आएंगे, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप एंड डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें ही बहुत बेसिक्स हैं डी एंड एफ ब्लॉक में, और हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, 19 मार्क के आएंगे। तो इन तीनों को मिला देने टोटल 70 मार्क्स हो जाते हैं, और 70 मार्क्स का मतलब 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया। टोटल 100% सिलेबस ये है। और कौन से चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड हो गए हैं? ओर्स एंड मेटलर्जी, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आप लोगों को पता है कि ये जो तीनों टॉपिक हैं यही वो हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लर्न करने में, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या हो गया कि वो टॉपिक जिसको आपको मगअप करने में दिक्कत होती है, बार बार भूलते हैं, वो अब की बार सिलेबस से पूरा तरह से हटा दिया है। तो अब आपके मन में डाउट ये होगा कि क्या हम जेई मेन के लिए भी इन टॉपिक को छोड़ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं जेई मेन के लिए, अगर आपका टारगेट 300-290 मार्क्स जेई मेन में नहीं है। तो आप केवल इन्हीं टॉपिक्स को 100% मान के कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अब आप देखिए कि जेई मेन में 50% वेटेज क्लास 12th का होता है रफली, और 50% वेटेज क्लास 11th का होता है। तो यहां पर अगर आप 50% वेटेज में देखें तो लगभग आप कह सकते हैं कि 20% वेटेज आपका टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर पहले ही कम हो गए, तो 80% ही रह गया। तो 50% का 80% अगर आप निकालें तो लगभग आप कह सकते हो कि 40% जेई का पार्ट यहां से आ गया आपका, जो कि 50% है। रिमेनिंग आप 11th के भी अगर आप चाहें कि भी कुछ हम टॉपिक सिलेक्ट करके देखें तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक ज्यादा रिलेटेड हैं। जैसे आप अगर सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता है इन दोनों को समझने के लिए हमें दो टॉपिक खासकर जरूर करने होते हैं, इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये दो टॉपिक जो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री है, ये हमें करनी ही चाहिए, ठीक है? नहीं है इसके अलावा, क्योंकि जब आप फिजिक्स करते हैं तो फिजिक्स का आपका जो मॉडल फिजिक्स है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो आप करेंगे। जब सॉल्यूशंस आप कर रहे हैं तो इसके साथ में 11th का जो गैसेस स्टेट का टॉपिक है वो आपका होना चाहिए। आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए कंप्लीट जो बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो 11th के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, जीओसी, हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक केमिस्ट्री, वो आपका होना चाहिए। तो जीओसी, हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक केमिस्ट्री आप यहां से ले लीजिए। इनऑर्गेनिक में चूंकि आप ये 16, 17, 18 ग्रुप कर ही रहे हैं तो आप पूरा पी ब्लॉक और साथ में आप ले लीजिए, तो आपका एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो ग्रुप 13, 14, 15 है वो भी यहीं पे आपके आगे एक बच गया हाइड्रोजन, तो उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए, उसको क्यों छोड़ना है। तो अब आप देखिए कि अगर केवल आप इन सब पर कंसंट्रेट कर लें, इन्हीं सारी चीजों पर कंसंट्रेट कर लें तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इस सिलेबस को आप 2 महीने में ढंग से करना चाहें तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप 200 मार्क्स तो आसानी से क्रॉस कर जाओ। करना क्या चाहिए आपको, ट्वेल्थ और आपकी जो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन है जेई मेन की, उसको आप अलग अलग नहीं देखें, उसको आप इंटीग्रेशन में करिए। जब भी आप टॉपिक कर रहे हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करिए, क्योंकि आपको पता है कि जेई मेन के जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है वो जब आप एनसीईआरटी के आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, ठीक है, कुछ 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप अलग से एनसीईआरटी की तैयारी कर सकते हो सीबीएसई के लिए, पर जो सिंगल ऑप्शन 1 लाइनर होंगे या अब तो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के आने वाले हैं
वो सारे जो आप सीबीएसई की तैयारी करोगे, जेईई मेन की भी तैयारी आपके अपने आप ही होगी। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप निकालिए, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन चाहे वो पहले दिए हुए एक्सरसाइज में या बाद में दिए हुए वो सारे निकालिए। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कम हो जाएंगे अगर हम ज्यादा गाइड बुक्स नहीं करेंगे तो, पर ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन है। अब आप लास्ट प्रीवियसली 15 ईयर्स के अगर आप जेईई मेन के क्वेश्चन देखो कि हर टॉपिक में वहां पर आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ज्यादा क्वेश्चन करने से ज्यादा फायदा होने वाला ऐसा नहीं। आप एनसीईआरटी को 3 बार करेंगे, जो आपने क्लास में नोट्स किए हैं टीचर्स के साथ में उनको करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, रेदर देन आप इधर उधर की चीजें करेंगे। इसके बाद आपके पास में लास्ट सेशन में बताया था कि आपके पास 20 पेपर्स जो हैं जेईई 2020 के 19 के भी आपके पास पेपर्स हैं, इनको एज ए पेपर करिए। इंस्टीट्यूट में जो पेपर्स हो रहे हैं उनको सीरियसली लीजिए। किसी का डाउट था कि एक वीक में कितने पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए हमें, तो जब तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक एक वीक में 2 पेपर भी आपके लिए सफिशियंट है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप डेली एक पेपर दे सकते हैं या अल्टरनेट डे में एक पेपर दे सकते हैं। तो अब देखिए, अगर आप ढंग से इस पूरे सिलेबस को देखें तो ये सिलेबस आसानी से, मैं केमिस्ट्री की अभी बात कर रहा हूं, ये सिलेबस आसानी से आप 45 डेज में या 50 डेज में या 55 डेज में एक बार कर सकते हो, और उसके बाद में इसको फास्ट रिविजन 3 से 4 बार कर सकते हो। तो ज्यादा इधर उधर जाने की नहीं, हम इसी सिलेबस को बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें। तो जब भी आपका मन कंफ्यूज हो कि हम क्या करें, आप वापस से एनसीईआरटी उठाइए, वापस से टीचर्स के नोट्स उठाइए, उनको फास्ट रिविजन करिए, इन्हीं के शॉर्ट रिविजन नोट्स बनाइए और इन्हीं को करिए। ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने से नॉलेज नहीं इंप्रूव होने वाली है। आप ये कंसेंट्रेट करिए कि जो विदिन द सिलेबस चीजें हैं उनको मैं ढंग से करूं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि ओवरऑल आपका जो मैंने एक्सप्लेन किया जेईई का 90% सिलेबस आपका यहीं से कंप्लीट हो जाता है। जब ये सिलेबस 90% यहीं से कंप्लीट हो गया, 90% में अगर आप 85% 90% एक्यूरेसी ले आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो पाती आपसे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने मार्क्स आप लोगों के आ सकते हैं। तो अगर आप कम चैप्टर करके, कम सिलेबस करके कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप इसको फॉलो करिए। डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। एंड रिमेंबर, आपको जो जेईई में एंट्रेंस मिलना है वो मार्क्स के बेस पे मिलना है, वो रैंक के बेस पे मिलना है, वो ज्यादा चैप्टर करने के बेस पे नहीं मिलना, या ज्यादा गाइड बुक सॉल्व करने के बेस पे नहीं मिलना, या ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के बेस पे नहीं मिलना। तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकले, इन चैप्टर्स के बेसिक्स को ढंग से करें। एक बार बेसिक आपके ढंग से हो जाए, यू हैव 4 अटेम्प्ट्स, तो उन्हीं अटेम्प्ट को बार बार जहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं उनको आप रिमूव करने की कोशिश करते रहिए। साथ साथ में जितना भी इंस्टीट्यूट में पेपर्स हो रहे हैं हर पेपर को आप सीरियसली देने की कोशिश करिए, और पेपर देने के बाद में आप ये मानिए कि पेपर जब आप दे रहे हैं तो जेईई का पेपर है ये मानकर इसको दीजिए, और उसके बाद में उसकी एनालिसिस प्रॉपर करिए, जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है उसी पर वर्क करिए, रिविजन करिए, थ्योरी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन करिए, पेपर अटेम्प्ट करिए, मिस्टेक्स देखिए, उन मिस्टेक्स पे जितना वर्क कर सकते हैं उन पे वर्क करने की कोशिश करिए, बार बार यही प्रोसेस करिए। दिस इज द ओनली वे टू गेट ए गुड मार्क और गुड रैंक इन जेईई। बेस्ट ऑफ लक।